हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि फ्रेंड्स, विंटर सीजन जाने वाला है, तो अब हम अपनी रजाइयों को, कंबल को, गर्म बेडशीट को फोल्ड करके रखेंगे। तो ये अलमारी में या बेड में बहुत जगह लेते हैं, तो आज आपके साथ में एक ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि ये जगह भी कम लेंगे और बिखरेंगे भी नहीं। आप इस तरीके से इनको फोल्ड करेंगे तो ये इधर उधर नहीं होंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इस तरीके से कंबल को पहले बेड में बिछा लेना है और उसके बाद कंबल के एक कोने से इतना हिस्सा लेना है और उसे अच्छे से दोनों साइड से फोल्ड करके रख देना है। इधर से भी अच्छे से फोल्ड करके और इस कोने से भी उतना हिस्सा लेकर इसे अच्छे से फोल्ड करके ऐसे रख देना है। उसके बाद इस कोने से इसे लेते हुए इतना सा उतना ही हिस्सा जितना हमने फोल्ड किया था उतना ही हिस्सा और लेना है और फिर इधर से इस साइड से भी फोल्ड कर देना है अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। और अगर आपका कंबल और भी लंबा है, मतलब लंबाई में, तो आप उसे दो बार फोल्ड कर सकते हैं, एक और बार मतलब फोल्ड कर सकते हैं। तो इधर से भी मैंने एक बार फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद इसे उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके रख देना है। अब ऊपर का हिस्सा है जो जिधर से हमने फोल्ड नहीं किया था उधर से लेना है और उधर से दो बार फोल्ड करके लेना है। वही बात इधर भी आती है कि और लंबा है तो एक बार और फोल्ड कर सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए, इसे फिर उल्टा कर देना है ठीक आगे की तरफ, और जिधर से ये फोल्ड आ रहा है इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचते हुए इस तरीके से पीछे खींचना है और कंबल इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, और फिर ये अच्छे से इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो जब हम इस तरीके से फोल्ड करके इसे रख देंगे, ये देखिए कितना अच्छे से फिट हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके अलमारी या बेड में रखेंगे तो ये जगह भी कम लेगा और इसके आसपास से जब भी हम और सामान निकालेंगे तो ये खुलेगा नहीं और सेट ऐसे ही रहेगा। और अब बेडशीट को भी फोल्ड करके रखते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने कंबल को फोल्ड किया था उसी तरीके से इसे भी करना है। पहले बिछा लेना है और उसके बाद इस तरीके से दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद, क्योंकि बेडशीट थोड़ी सी लंबी चौड़ी होती है, कंबल से ज़्यादा ही लंबाई चौड़ाई होती है बेडशीट की, अगर आप फुल साइज़ की बेडशीट लेते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये एक तरफ से मैंने इसे एक बार फोल्ड कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने एक और बार इसे फोल्ड कर दिया है क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है। अब देखिए, इस तरफ से तो कर लिया है और अब उस तरफ से भी इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। और इस तरीके से जब आप फोल्ड करके बेडशीट को रखेंगे तो उसके बाद अब बात आती है, बेडशीट को तो फोल्ड कर लिया और जो ये इसके पिल्लो कवर हैं तो उनको भी इसके बीच में रख देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो पिल्लो कवर्स होते हैं वो इधर उधर गुम नहीं होते हैं, हमें पता रहता है कि हमने बेडशीट के अंदर ही इनको फोल्ड करके रखा हुआ है और जब भी हम बेडशीट को निकालेंगे तो पिल्लो कवर भी उसके साथ आसानी से मिल जाएंगे और बेडशीट भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है और आप इस तरीके से अपनी अलमारी को अच्छे से सेट करके रख सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं अब। और अब मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करने जा रही हूँ बेडशीट का फोल्ड करने का, जो कि बहुत ही सिंपल है और मैं अक्सर ये तरीका भी अपनाती हूँ जब भी बेड मतलब धो के लाती हूँ बेडशीट को, तो इस तरीके से मैं इसे रख लेती हूँ। ये देखिए, बेडशीट को चारों तरफ से ऐसे फोल्ड करके छोटा सा फोल्ड इसका कर दूंगी मैं पहले। ये देखिए, बेड सीट को मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक पिल्लो कवर रख लूँगी और दूसरे पिल्लो कवर के अंदर बेड सीट को डाल दूँगी। इससे क्या होता है कि पिल्लो कवर कभी भी इधर नहीं होती हैं और ये बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से बेड सीट को इसके अंदर डालकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल ये तरीके हैं, आप एक बार इनको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना क्योंकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स टिप्स मिलते ही रहेंगे। आपको और भी रेसिपी वगैरह देखनी है तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, तो मैंने बहुत कुछ शेयर किया है। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।